कानपुर से खबर है जहां दहेज के लोभियों ने चंद पैसे की खातिर महिला को 3 मंजिल से फेंक दिया जो कि हैलट के आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 6 दिन के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ससुराल पक्ष लगातार पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के मकबरे का पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट। सर, ग्वालटोली क्षेत्र में किसी बेटी को दहेज के लिए छत से फेंकने का मामला था। हाँ, इस प्रकरण में कल जानकारी हुई कि अनवर अली और अख्तर अली जो कि एक उनके पति हैं, बच्ची के जो हॉस्पिटल में एडमिट है, दूसरा देवर है, ये दोनों हैलट हॉस्पिटल में दबाव बना रहे थे समझौते के लिए। तो इस प्रकरण की जानकारी लेते हुए टीम को भेज करके और उन दोनों को गिरफ्तार करवाया गया है और उन परिजनों को बताया गया कि कोई भी अगर आप पे दबाव दे या किसी भी प्रकार से आपको उत्प्रेरित करता है तो आप तत्काल बताइएगा, पुलिस वैधानिक कार्रवाई उनके विरुद्ध जरूर करेगी। सर, इस मामले से पहले भी क्या लड़की को प्रताड़ित किया जाता था? नहीं, ऐसी तो कोई संज्ञान पहले का कोई प्रार्थना पत्र ऐसा नहीं आया था। सर, अभी लड़की के क्या कंडीशन है हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके कंडीशन के बारे में डॉक्टर ने कहा कि अभी तो ठीक है और उसमें जो भी होगा वो आगे डॉक्टर ही बता सकता है।